ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने शिकंजा कस दिया है ताहिर हुसैन पर। ताहिर हुसैन के तकरीबन 6 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर के घर पर यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन। 1,16,00,000 रुपए दिल्ली दंगों में खर्च करने का भी आरोप है। ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है और साथ ही बड़े पैमाने पर दंगों में फंडिंग का आरोप ताहिर के ऊपर है और इसी के बाद ईडी ने शिकंजा कसा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और अब अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब प्रवर्तन निदेशालय ने ताहिर हुसैन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर इस वक्त ईडी कार्रवाई कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में FIR दर्ज हो चुकी है ताहिर पर पहले ही, और दिल्ली दंगों में बड़े पैमाने पर जो फंडिंग करने का आरोप है वो ताहिर पर लगा था। जो चार्जशीट थी उसमें इस बात का खुलासा हुआ था और उसके बाद से ताहिर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब ईडी ने और शिकंजा कस दिया है। 1,16,00,000 के तकरीबन ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों में फंडिंग करने का आरोप है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर इस वक्त ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। साथ ही ताहिर के 6 ठिकाने हैं, उसके घर के अलावा 6 अलग अलग जो ठिकाने हैं जहां से ईडी को इनपुट मिला था वहां पर इस वक्त कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। छापेमार कार्रवाई की गई है और 6 अलग अलग टीमें इस बाबत कार्रवाई कर रही है। रुमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, क्या डिटेल निकल के आ रही है? ताहिर के 6 ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रहा है इस वक्त। चलिए रुमान से फिर कोशिश करेंगे बात करने की। रुमान, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपको क्या जानकारी है आपके पास ईडी की कार्रवाई को लेकर जो ताहिर हुसैन के घर पर कर रहे इस वक्त की जा रही है? चलिए बात नहीं हो पा रही है रुमान से, फिर से कोशिश करेंगे रुमान से बात करने की। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीमें कार्रवाई कर रही है। दिल्ली दंगों में बड़े पैमाने पर फंडिंग करने का आरोप ताहिर पर लगा, साथ ही मास्टरमाइंड भी बताया गया जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें, और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और इस वक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि ईडी इस मामले में वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, वो ट्रेल मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो जो पैसा था वो कहाँ से आया, कैसे उनका उपयोग किया गया और ताहिर के अलावा और कौन कौन लोग थे इस पूरे नेक्सस में, उनकी भी ट्रेल तलाशने की कोशिश इस जरिए से ईडी कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड जो आरोपी है ताहिर हुसैन, उस पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 6 अलग अलग ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की 6 अलग अलग टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केस दर्ज हो चुका है। जो चार्जशीट दाखिल हुई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से उसमें भी ताहिर हुसैन द्वारा बड़े पैमाने पर दिल्ली दंगों में पैसा खर्च करने, फंडिंग करने के आरोप लगे थे। उसके बाद दूसरे जो एजेंसीज है वो भी सतर्क हुई। एक बार फिर से रुमान से बात करने की कोशिश करेंगे। रुमान, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि इस पूरी जांच में सामने आया था कि ताहिर हुसैन की शेल कंपनियों के जरिए कई अकाउंट से पैसा निकाला गया था और डाला गया था, और कई शेल कंपनियों में पैसा ताहिर हुसैन के जरिए डालने के बाद करीब 1,16,00,000 रुपये से ज़्यादा की रकम थी जो कि कैश में निकाली गई थी, और इस रकम से दिल्ली दंगों को फाइनेंस किया गया था। इन तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी ताहिर हुसैन के द्वारा, कहाँ से उसका सोर्स था, क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी साफ तौर पर बताया गया था कि ताहिर हुसैन से मुलाकात हुई थी कई लोगों की जो PFI से जुड़े हुए थे, और शाहीनबाग CA प्रोटेस्ट के दौरान जहाँ पर उसको उमर खालिद ने बड़े दंगे के लिए तैयार रहने को कहा था। खालिद सैफी नाम का शख्स है जिसके जरिए भी फंडिंग की गई थी। ये तमाम पैसा ताहिर हुसैन के पास आया और फिर शेल कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा डालने के बाद वहां से उसको कैश निकाला गया, जिससे दिल्ली दंगों की फंडिंग हुई। इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें ताहिर हुसैन का घर भी शामिल है। 4 ठिकाने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं और 2 ठिकाने ऐसी जगह पर हैं जिन जगह पर वो शेल कंपनीज रजिस्टर हैं। फिलहाल
छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय इन तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है इसके सबूत ढूंढने में जुटी हुई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के जो पूरी ट्रेल है वो प्रवर्तन निदेशालय के पास है और इसी सिलसिले में छापेमारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के दंगों की आग में झोंकने वाले जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम ताहिर हुसैन है और क्राइम ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट में उसकी करतूतों का जिक्र सबूतों के साथ किया। दिल्ली को जलाने वाले शातिर तिकड़ी के खेल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धधकती आग के बीच दंगा फैक्ट्री के छत पर ताहिर हुसैन का धमकना महज संयोग नहीं बल्कि दिल्ली दंगे की प्रायोजित साजिश का हिस्सा था, जिसका खुलासा 1030 पन्नों की चार्जशीट में हुआ। चांदबाग हिस्सा मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को दहलाने की साजिश की एक एक ईंट जोड़ी गई। चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को हिंसा की आग भड़की थी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन अपने गैंग के साथ इसकी तैयारी में पहले से ही जुट गया था। 22 फरवरी को ताहिर हुसैन ने खजूरी खास से अपनी पिस्टल छुड़वाई थी, जिसका इस्तेमाल दंगे के दौरान हुआ था, चार्जशीट में जिक्र किया गया है। ताहिर हुसैन के पास 100 कारतूस थे, क्राइम ब्रांच को 22 कारतूस नहीं मिले। 22 कारतूस कहाँ है इसका जवाब नहीं दे पाया ताहिर। गुलफाम ने 31 जनवरी को 100 कारतूस खरीदे थे, पुलिस को सिर्फ 7 जिंदा कारतूस मिले हैं, बाकी का पता नहीं चला। दंगों में चली गोलियों का हिसाब अभी तक नहीं मिल पाया है। चार्जशीट में ताहिर हुसैन, उसका भाई शाह आलम समेत 15 आरोपी बनाए गए हैं। चार्जशीट में ये भी जिक्र है कि फसाद के लिए फंडिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि ताहिर हुसैन ही था, जो देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद के संपर्क में था। दंगों की फंडिंग के लिए ताहिर ने 1,30,00,000 से ज्यादा पैसे खर्च किए। दंगों से पहले सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से ताहिर ने बात की थी। 24 और 25 फरवरी को ताहिर अपने घर में ही मौजूद था। 24 फरवरी को ताहिर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात की थी। सीए विरोध के नाम पर हिंसा की आग भड़काने की आरोपी नताशा नरवाल और दिवंगना कालिता पुलिस के शिकंजे में हैं। पिंजरा तोड़ ग्रुप के इन दोनों आरोपियों के देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद से भी करीबी रिश्ते हैं। 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद दंगों में हुई फायरिंग में अमन नाम के युवक की मौत हुई थी। मौके पर पुलिस को अलग अलग बोर के 35 कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में नताशा और दिवंगना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार्जशीट में ये भी जिक्र किया गया है कि इन आरोपियों का रिश्ता व्हाट्सएप पर चल रहे ग्रुप इंडिया अगेंस्ट हेट से भी था। एक आरोपी के मोबाइल से मिली व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि दिल्ली दंगों की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। इस चैट में लिखा था कि दंगे के हालात में घर की औरतें क्या करें, घर में खौलता हुआ पानी या तेल का इंतजाम करो, तेजाब की बोतलें रखो, कार और बाइक से पेट्रोल निकाल लो, लोहे के दरवाजे में करंट दौड़ाओ, बालकनी और छत पर ईंट पत्थर इकट्ठा करो। साफ है कि इस तरह के मैसेज से मुस्लिम बस्तियों में विरोध की चिंगारी भड़काई गई और फिर दंगे की आग लगाई गई।